200 मेगापिक्सल कैमरा की हाइप बना के इन्होंने चिपसेट हल्के वाला दे दिया है और रेट रख दिया है 30,000 रुपए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर डिमांड पर ही बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे जरूर आएंगे जिसमें कहा जाएगा कि आपने 30,000 वाले फोन को 23,000 वाले फोन के साथ क्यों कंपेयर कर दिया है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Redmi के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि हमें AMOLED पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में Realme ने ना थोड़ी कंजूसी कर दी, एटलीस्ट इन्हें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो देना ही चाहिए था। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहां पर Redmi का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन दोनों ही UI में तो आपको भर-भर के ब्लोटर मिल जाएंगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की। तो यहाँ पर Redmi के अंदर हमें Dimensity 10805G 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें Dimensity 920G 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट एकदम बढ़िया है। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स का एंट्रोडो स्कोर भी आता है 4,95,000 के करीब। और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Redmi की। तो इस फोन का मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों आपको बता दूं कि बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार आप Redmi के इस नंबर गेम में मत चले जाना कि भाई 200 मेगापिक्सल का कैमरा है तो बढ़िया ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सेंसर साइज मैटर करता है, मेगापिक्सल वगैरह नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहां वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो Redmi का फोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन यार Realme का फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करता है। यानी कि भाई अगर आपको अच्छी वीडियो स्टेबलाइजेशन के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहाँ पर Redmi की तरफ ही जरूर से जाइए। और बात करें अगर हम फ्रंट कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर Redmi फोन के अंदर हमें 4980 mAh की बैटरी दी गई है। अगर 20 mAh फालतू दे देते तो पूरा 5000 में क्या चला जाता है इनका। और ये स्मार्टफोन 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि सिर्फ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों बड़ी बैटरी के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर आपको एकदम अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना ना, तब आप यहाँ पर Redmi की तरफ जरूर से जाइए। और बात करें अगर हम नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, जिसमें Redmi का फोन 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको ट्रूली 5G कनेक्टिविटी वाला मजा लेना है ना भाई, तब आप यहाँ पर Redmi की तरफ जरूर से जाइए। और 3.5 mm जैक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स के भी साथ में आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ सिक्योरिटी की, तो Redmi फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है। यार 30,000 का फोन है, फिर भी अंडर डिस्प्ले नहीं मिल रहा हमें। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस उसी में हमें हार्ट रेट मॉनिटर भी दिया गया, अच्छी बात है। और ये स्मार्टफोन फेस अनलॉक के साथ में आता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Redmi फोन के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की कीमत है 30,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Realme फोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 23,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए भाई अगर आपका बजट है 23,000 रुपए तक का, जिसमें आपको ओवर
ओवरऑल एक काफी बढ़िया फोन लेना ना, डेफिनेटली आप यहाँ पर रियलमी की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसमें जो सामान मिल रहा है ना भाई, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों रेडमी फोन की अगर मैं बात करूँ, हाँ यार सामान तो हमें एकदम बढ़िया वाला मिल रहा है, लेकिन 30,000 के प्राइस पॉइंट पर जो चिपसेट है ना वो हमें हल्के वाला मिल रहा है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट का जरूर सब्सक्राइब कीजिए।